हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन यूट्यूबर मॉम नवनी। सो फ्रेंड्स, अभी सर्दियों का मौसम चल रहा है और सर्दियों के मौसम में बहुत ही ज़्यादा लीव्स जो हैं, हरी सब्जियां जो हैं अवेलेबल होती हैं मार्केट में। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ विंटर स्पेशल डिनर। सो फ्रेंड्स, आज मैं डिनर में बना रही हूँ मिक्स पत्ती का साग, जिसमें कि मैंने लिया है थोड़ा सा पालक, थोड़ी सी राई, थोड़ी सी मैंने इसमें मेथी मिक्स की है, तो इन तीन चार और थोड़ा सा सोया भी मैंने डाला है। तो इन तीन चार हरी साग को मैंने मिक्स करके बना रही हूँ भुर्जी। सो यहाँ भुर्जी बनाने के लिए मैंने सबसे पहले कढ़ाई गर्म होते ही उसमें डाल दिया है मस्टर्ड ऑयल। और फ्रेंड्स, मैं हमेशा सूखी सब्जी या साग मैं जब भी बनाती हूँ मैं हमेशा मस्टर्ड ऑयल का ही यूज़ करती हूँ। तो यहाँ मेरा मस्टर्ड ऑयल हो गया है गर्म। अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा जीरा और थोड़ी सी हींग। सो जैसे ही मेरा जीरा भुन जाता है तो मैं इसमें डालूंगी थोड़ी सी बारीक कटी हुई प्याज। सो प्याज को भी हम अच्छे से भून लेंगे। सो यहाँ मैंने प्याज को डाल दिया है। और फ्रेंड्स, सर्दियों में हरी सब्जी खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इसमें प्रचुर मात्रा में आयरन मिलता है। सो इसलिए मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं इवनिंग में जब भी डिनर प्रिपेयर कर रही हूँ तो एक हरी सब्जी सूखी मैं ज़रूर रखूँ डिनर में। सो यहाँ मेरी प्याज जो है अच्छे से भुन गई है, तो मैं इसमें डालूंगी जिंजर एंड गार्लिक का पेस्ट। तो यहाँ पेस्ट तो नहीं बनाया है मैंने, जस्ट उसको मैंने दरदरा पीस लिया है, तो उसको मैं इसमें डालूंगी क्योंकि मेरा प्याज जो है वो अच्छे से भुन गया है। सो फ्रेंड्स, अब मैंने इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल दिया है, यानी कि जिंजर गार्लिक पेस्ट। तो अब इसको भी अच्छे से भून लेंगे ताकि इसमें कच्चापन ना रहे। और फ्रेंड्स, आज थोड़ी सी आपको मेरी वॉइस थोड़ी सी भारीपन लग रहा होगा आवाज़ में। एक्चुअली अभी काफ़ी ज़्यादा कोल्ड हो रखा है मुझे, तो इसलिए प्लीज़ उसको अवॉइड कीजिएगा। सो आप देख सकते हैं कि मेरा जो मसाला है अच्छे से भुन गया है। सो फ्रेंड्स, अब मैं डाल रही हूँ इसमें थोड़ी सी हल्दी और थोड़ी सी लाल मिर्च स्वाद अनुसार। और उसके बाद फ्रेंड्स, इसको भी मैं हल्का सा भून लूँगी ताकि कच्ची हल्दी जो है वो थोड़ा सा उसका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। सो हमेशा हल्दी को भून करके ही फिर सब्जी बनानी चाहिए, नहीं तो फिर हल्दी की जो स्मेल होती है, टेस्ट होता है, वो थोड़ा कच्चेपन में आता है। सो यहाँ मेरी हल्दी भी अच्छे से भुन गई है, तो मैंने इसमें डाल दी है अपनी हरी साग। और फ्रेंड्स, आप जितनी भी हरी साग आपके पास रखी हुई है तो कभी उसको मिक्स करके बनाइएगा, तो देखिएगा कि कितना अच्छा फ्लेवर आता है। और फ्रेंड्स, मैं बताना भूल गई थी, मैंने इसमें थोड़ी सी हरी धनिया भी काटी हुई है। सो फ्रेंड्स, अगर आप भी इस तरीके से मिक्स साग को काट करके बनाएंगे आलू के साथ में तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी, बहुत ही ज़्यादा यमी जो है भुर्जी बनती है। तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा इन विंटर्स में। और देखिए, यहाँ मैंने जो है अभी नमक नहीं डाला है क्योंकि फ्रेंड्स, हमेशा हरी सब्जी जब भी हम बना रहे हैं तो थोड़ा सा उसको नरम होने का टाइम दीजिए, क्योंकि जैसे ही हरी सब्जी हम लोग डालते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा कढ़ाई में स्पेस ले लेती है। तो जैसे ही हम एक दो मिनट के लिए उसको ढक करके रख देंगे सिम पर, तो आप देखिएगा कि वो बिल्कुल जितनी हमने डाली थी उससे हाफ क्वांटिटी उसका रह गया है। तो जैसे उसकी हाफ क्वांटिटी रह जाए, इसका मतलब है कि अच्छे से सब्जी जो है हमारी नरम हो गई है। उसके बाद में फिर आप उसमें अच्छे से नमक मिला लें स्वाद अनुसार, और फिर सब्जी को एक बार मिक्स कर दें अच्छे से, और फिर उसको ढककर पकने के लिए छोड़ दें। सो फ्रेंड्स, पहले कभी भी अगर आप हरी सब्जी बना रहे हैं तो कभी भी शुरुआत में नमक ना डालें, क्योंकि आप जितनी भी हरी सब्जी शुरुआत में डाल रहे हैं तो थोड़ी देर पकने के बाद में उसकी क्वांटिटी जस्ट हाफ रह जाएगी। तो कई बार ऐसा होता है कि नमक तेज़ हो जाता है अगर हम लोग पहले ही नमक डाल देते हैं, क्योंकि क्वांटिटी तो सब्जी की कम हो जाएगी। तो इसलिए हमेशा जब सब्जी आपकी अच्छे से नरम हो जाए, उसकी क्वांटिटी जस्ट हाफ हो जाए, तो उसके बाद में आप उसमें नमक ऐड करें, क्योंकि उसके बाद में फिर सब्जी और ज़्यादा कम नहीं होगी। सो फ्रेंड्स, जब तक मेरी सब्जी बन रही है तो चलिए तब तक आटा जो है वो गूंथ करके तैयार कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, आज मैं बना रही हूँ तीन अनाज को मिक्स करके आटा। सो यहाँ मैंने गेहूं का आटा लिया है, और जितना मैं गेहूं का आटा लूँगी मैं उतना ही लूँगी इसमें मक्की का आटा, और उतना ही इसमें डालूंगी चावल का आटा। सो फ्रेंड्स, मैं इन तीनों आटों को इक्वल क्वांटिटी में मिक्स करूंगी, और आज इसी की मैं रोटी बनाने वाली हूं। और आप लोग भी इन तीनों को मिक्स करके रोटी बनाइएगा और देखिएगा कि कितनी अच्छी और कितनी स्वादिष्ट रोटी बनती है। बहुत मिठास रहती है इस रोटी में, और सर्दी के टाइम पर तो ये मिक्स आटे की रोटी जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। अगर आप सूखी सब्जी बना रहे हैं तो उसके साथ में तो बहुत लाजवाब लगती है। सो यहाँ मैंने गेहूँ का आटा भी डाल लिया है, और उतना ही मैंने इसमें डाल लिया है चावल का आटा। अब मैं इसमें उतना ही डालूंगी
मक्की का आटा, और तीनों को हमने इक्वल क्वांटिटी में लेना है। तो चलिए अब जल्दी से आटे को गूंद लेते हैं और उसके बाद बनाना स्टार्ट करेंगे अंडा करी। आटा मेरा जो है कुक करके तैयार हो गया है, तो चलिए अब अंडा करी बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले मैं देख लेती हूँ कि मेरी सूखी सब्जी जो है वो बन गई या नहीं। आप देख सकते हैं कि अभी जो है सब्जी ने काफ़ी पानी छोड़ दिया है। फ्रेंड्स, अब जो है मैं एक बार आलू को चेक कर लूँगी। यहाँ मैंने देख लिया है कि आलू जो है अच्छे से पक गया है, तो अब मैं इसको खुला छोड़ दूँगी ताकि इसका एक्सेस वाटर जो है वो अच्छे से सूख जाए। यहाँ मैंने इसको खुला करके पका रही हूँ। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा पानी छोड़ दिया है सब्जी ने, तो इसको पानी को सूखने देते हैं। तो चलिए अब जल्दी से प्रिपेयर करते हैं अंडा करी। फ्रेंड्स, अंडा करी बनाने के लिए मैंने लिए हैं 7 उबले हुए अंडे। यहाँ मैंने जो है देसी अंडे लिए हैं। और फ्रेंड्स, आजकल हम लोग आए हुए हैं गांव में, यहाँ गांव में देसी अंडे अच्छे से अवेलेबल हो जाते हैं बहुत आसानी से। और ये जो है दूसरे फार्मी अंडों से काफ़ी ज़्यादा अच्छे रहते हैं, बहुत ज़्यादा गुण रहते हैं इनमें। यहाँ मैंने साथ में ले लिए हैं मैंने टमाटर, प्याज और लहसुन अदरक। फ्रेंड्स, इसको मैं ग्राइंडर में अच्छे से इसकी प्यूरी बना लूँगी। फ्रेंड्स, यहाँ मैंने प्यूरी तैयार कर ली है, तो चलिए अब अंडा करी बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने कढ़ाई चढ़ा ली है गैस पर। कढ़ाई मेरी गर्म हो गई है, तो चलिए इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल। और मस्टर्ड ऑयल जैसे ही मेरा गर्म होता है तो इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा जीरा और हींग। फ्रेंड्स, मेरा जीरा जो है वो अच्छे से भुन गया है, तो मैं इसमें जो मैंने प्यूरी बनाई थी वो डाल दूंगी और इसको अच्छे से मैं भून लूंगी। और फ्रेंड्स, प्यूरी के साथ में ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी हरे मटर, क्योंकि फ्रेंड्स मेरी जो मटर है वो उबली हुई नहीं है, तो इसलिए वो अच्छे से पक नहीं पाएगी। तो इसलिए जब आप मसाला उसको भून रहे हैं तो उसके साथ में ही आप हरी मटर डाल दें, तो वो भी अच्छे से भून जाएगी और एकदम नरम हो जाएगी। यहाँ मैं हरी मटर को मसाले के साथ में ही भून रही हूँ। और मैं यूजुअली इसी तरीके से अंडा करी बनाती हूँ, मैं पहले मटर नहीं उबालती हूँ, जस्ट जब मैं मसाला भूनती हूँ तो उसके साथ में ही मैं मटर को भी भून लेती हूँ। और अच्छे से बहुत बढ़िया से मटर जो है हमारी भून जाएगी मसाले के साथ। फ्रेंड्स, यहाँ मेरा मसाला जो है अच्छे से भुन गया है, तो आप देख सकते हैं मसाले ने ऑयल जो है छोड़ दिया है और मेरी मटर भी अच्छे से नरम हो गई है। तो मैंने इसमें उबले हुए अंडे डाल दिए हैं और उसको भी मैं मसाले के साथ में कुछ सेकंड के लिए मैं अच्छे से भून लूँगी ताकि मसाले अंडे जो हैं वो मसाले को अच्छे से एब्जॉर्ब कर लें, तो इससे जो है अंडा करी का फ्लेवर और भी ज़्यादा अच्छा आता है। यहाँ मेरे अंडे भी अच्छे से भुन गए हैं, तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी स्वाद अनुसार मिर्च, लाल मिर्च, और साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी हल्दी और स्वाद अनुसार नमक। और फिर फ्रेंड्स, मैं इस सूखे मसाले को भी अंडों के साथ में अच्छे से भून लूँगी और उसके बाद में फिर मैं इसमें ऐड कर दूँगी पानी। और जितनी आपको ग्रेवी चाहिए आप उस हिसाब से पानी डाल सकते हैं। तो मुझे हमेशा थोड़े ड्राई फॉर्म में ही अंडा करी पसंद है, तो मैं इसलिए बहुत ज़्यादा पतली नहीं करती हूँ इसकी करी। तो ये आपके ऊपर फुली डिपेंड करता है कि आपको करी कितनी ज़्यादा हैवी चाहिए या कितनी ज़्यादा लाइट चाहिए। फ्रेंड्स, अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़ी सी हरा धनिया। हरा धनिया डालने के बाद में मैं इसको ढक करके 10 से 15 मिनट के लिए मैं इसको पकने के लिए छोड़ दूंगी और गैस को कर दूंगी सिम पर। चलिए अब इसको पकने देते हैं ताकि ये जल्दी से तैयार हो जाए।
सो फ्रेंड्स अभी हो गए हैं 15 मिनट और मेरी अंडा करी जो है वो बनके हो गई है तैयार। सो फ्रेंड्स आप भी इस तरीके से अंडा करी बनाइएगा और भुर्जी बनाइएगा और मेरे साथ में कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपकी दोनों सब्जियां कैसी बनी हैं। सो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का विंटर स्पेशल मेन्यू। सो फ्रेंड्स सब्जियां मेरी बनकर हो गई हैं तैयार, तो मैं सेक रही हूँ गर्मा गर्म रोटी, क्योंकि सर्दियों में तो गर्म गर्म खाने का मज़ा ही कुछ और है। तो यहाँ मैं रोटियाँ बेल रही हूँ। और फ्रेंड्स आप जब भी इस तरीके से मिक्स ग्रेन की रोटी बना रहे हैं तो उसको अच्छे से आप सेकें। तो यहाँ मैं पहले इसको तवे पर हल्का सा सेकूंगी, उसके बाद में फिर मैं इसको गैस पर रख कर सेकूंगी। सो फ्रेंड्स मेरा डिनर बन कर के हो गया है तैयार, और ये रही हमारी आज की विंटर स्पेशल डिनर थाली। सो फ्रेंड्स आप भी इस तरीके से अंडा करी बनाइएगा, मिक्स साग बनाइएगा और इस तरीके से ये मल्टीग्रेन के आटे की रोटी बनाइएगा इन सर्दियों में, और मज़े से खाइएगा और मेरे साथ में शेयर ज़रूर कीजिएगा कि आपको आज की मेरी ये रेसिपीज़ कैसी लगी हैं। सो फ्रेंड्स मिलती हूँ बहुत जल्दी आप लोगों से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और अपनी विंटर्स को इन्जॉय कीजिए यमी यमी खाने के साथ। तो चलिए मैं भी गर्मा गर्म सर्व करती हूँ सबको आज का डिनर, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।